भारत में शायद ऐसा कोई होगा जिसने हल्दीराम का नाम ना सुना हो। एक छोटे से दुकान से शुरुआत करने वाला हल्दीराम की वैल्यू आज 3 बिलियन डॉलर की है और पूरी दुनिया के 80 देशों में हल्दीराम अपने बिजनेस को जमा चुका है। आज के वीडियो में हम जानेंगे हल्दीराम के सक्सेस के पीछे का राज क्या है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। हल्दीराम का फाउंडेशन बीकानेर के रहने वाले गंगा भूषण अग्रवाल जी ने 1941 में किया था, पर हल्दीराम को बनाने का काम उन्होंने 1911 सिर्फ 11 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। गंगा भूषण जी एक मारवाड़ी परिवार से थे और उन्हें परिवार में प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाया जाता था। उन्होंने अपने खेलने कूदने की उम्र में ही अपने पिता के भुजिया के शॉप में काम करना शुरू कर दिया था। उस समय बीकानेर में भुजिया बहुत ज्यादा बिकता था, जिसकी वजह से शहर के हजारों लोग भुजिया बेचा करते थे। भुजिया एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसका टेस्ट और प्राइस हर दुकानदार के पास सेम ही था। इसी वजह से कंपटीशन टेस्ट का नहीं बल्कि प्राइस का था। हल्दीराम उस वक्त अपने पिता के दुकान में साफ सफाई और छोटे मोटे काम को किया करते थे और वो हमेशा से भुजिया बनाने की रेसिपी को सीखना चाहते थे। हल्दीराम के पिता जो भुजिया बेचा करते थे उसकी रेसिपी परिवार के एक बहू ने बनाया था। उनके भुजिया का टेस्ट काफी अच्छा था जिसकी वजह से उनका बिजनेस चल पड़ा। लेकिन हल्दीराम जो कि छोटे से शॉप के बिजनेस से खुश नहीं थे, दरअसल हल्दीराम खुद ऐसी भुजिया बनाना चाहते थे जो कि मार्केट के बाकी भुजिया से अलग हो, कोई भी उनके प्रोडक्ट का मुकाबला ना कर पाए। इसीलिए उन्होंने छोटी उम्र से ही भुजिया के साथ नए नए इंग्रेडिएंट्स के साथ भुजिया का एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने एक ऐसा भुजिया बनाया जो उस वक्त मार्केट के सभी भुजिया से अलग था। हल्दीराम जी ने अपने पिता के भुजिया में 3 ऐसे चेंजेस किए जिससे कि हल्दीराम का भविष्य हमेशा के लिए बदल गया। हल्दीराम जी भुजिया को बेसन के जगह के दाल से बनाने लगे। ऐसा करने से भुजिया का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया और काफी क्रिस्पी हो गया और मार्केट में जहां लोग भुजिया का 2 पैसा पर केजी के हिसाब से बेचा करते थे, हल्दीराम जी ने इस भुजिया की कीमत 5 पैसे पर केजी में रखा ताकि मार्केट में उनकी भुजिया को अलग स्टैंडर्ड से देखा जाए और उन्होंने अपने भुजिया का नाम बीकानेर के महाराजा डोंगड़ सेब के नाम पर रख दिया। हालांकि उनके भुजिया का बीकानेर के महाराज से कोई कनेक्शन था नहीं, लेकिन फिर भी उनका नाम ब्रांड की तरह साबित हुआ और ऐसे डोंगड़ सेब नाम रखने से लोग उस भुजिया को प्रीमियम मानने लगे। लोगों की नजर में यह भुजिया ऑलरेडी प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका था तो लोग इसे 5 पैसे पर केजी के भाव से भी खरीदने लगे क्योंकि लोग सोचते थे कि वह 3 पैसे ज्यादा देकर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इन सब कारणों की वजह से हल्दीराम जी का डोंगड़ सेब मार्केट में लॉन्च होते ही हिट हो गया। इस तरह से हल्दीराम जी ने इस बिजनेस की शुरुआत की जिसे आज दुनिया भर में उन्हीं के नाम से जाना जाता है। उनके बाद इस कंपनी का ग्रोथ को आगे बढ़ाया 1960 से शिव किशन अग्रवाल जी ने, जो इस कंपनी को ऐसे लेवल पर ले गए जो किसी ने सोचा भी नहीं था। शिव किशन जी हल्दीराम के पोते हैं। उस समय अग्रवाल फैमिली 3 अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुकी थी। इनके बिजनेस कोलकाता बीकानेर और नागपुर में फैले हुए थे। कोलकाता और बीकानेर का बिजनेस तो काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन नागपुर में शिव शंकर जी को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उस वक्त नागपुर और पूरे महाराष्ट्र में भुजिया की डिमांड बहुत ही कम थी। तब शिव शंकर जी ने महाराष्ट्र के फूड हैबिट्स को जानने के लिए मार्केट रिसर्च करने का फैसला लिया। कई महीनों तक रिसर्च करने के बाद उन्हें मार्केट में 2 अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। इसमें सबसे पहली चीज उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के लोग ज्यादातर स्नैक्स के बारे में नहीं जानते। ऐसे में शिव शंकर जी के पास यह मौका था कि वह मार्केट में नए नए तरह के स्नैक्स लेकर आए और दूसरी अपॉर्चुनिटी उन्हें स्वीट्स मार्केट में नजर आई, जहां उन्होंने देखा कि स्वीट्स के नाम पर महाराष्ट्र में बालूशाही, गुजराती पेड़ा, लड्डू जैसे कुछ ही मिठाइयां सिर्फ बेची जा रही है। तब उन्होंने सोचा कि महाराष्ट्र में दूसरे स्टेट्स की मिठाइयों को ला सकते हैं। तब उन्होंने काजू कतली मिठाई को महाराष्ट्र के स्वीट मार्केट में लॉन्च किया। महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली नई चीज थी, इसीलिए शिव शंकर जी महाराष्ट्र के लोगों को उस मिठाई का फ्री में सैंपल देने लगे। उनके शॉप में जो भी कस्टमर आता वह उन्हें अपना काजू कतली जरूर टेस्ट करवाते और उनके इस प्लान की वजह से कुछ ही वक्त में काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गया। काजू कतली के इस सक्सेस के बाद उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बीकानेर और कोलकाता के बाकी मिठाइयों से भी परिचय करवाया। इस तरह शिव शंकर जी के कमाल की बिजनेस प्लानिंग और टेस्टी प्रोडक्ट की वजह से सिर्फ 3 साल में ही हल्दीराम का सेल 400% तक बढ़ गया और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। और इसके बाद उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग इडली और डोसा जैसे साउथ इंडियन फूड को काफी पसंद करते हैं, इसलिए सिर्फ कस्टमर को अपने शॉप में लाने के लिए उन्होंने खुद का साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोल डाला। और जब धीरे धीरे लोग उनके रेस्टोरेंट में आने लगे तब उन्होंने मेन्यू में समोसा, छोले भटूरे, कचौड़ी जैसे आइटम को ऐड किया। इस तरह की प्लानिंग की वजह से हल्दीराम की सेल कुछ ही सालों में नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। इसके बाद अग्रवाल परिवार के एक और मेंबर मनोहर लाल अग्रवाल जी बिजनेस के बागडोर को संभालते हुए दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते गए। मनोहर लाल जी ने ऐसी प्लानिंग अपनाई जिसकी वजह से तरक्की के नए आसमान को छूने लगा। यह 80s का वह समय था जब कोई भी ब्रांड पैकेजिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मनोहर लाल जी अपने ब्रांड को ज्यादा फेमस बनाने के लिए हल्दीराम के ब्रांडिंग के साथ महंगी पैकेजिंग करना भी शुरू कर दिए ताकि लोगों को ऐसा फील हो कि मार्केट के एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं।
उनके ऐसा करने की वजह से ना सिर्फ लोगों में ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, साथ ही हल्दीराम के लिए लोगों का ट्रस्ट पहले से और ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा मनोहर लाल जी ने पूरे देश में हल्दीराम के शॉप्स को खोलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कुछ ही सालों में हल्दीराम का शेयर सैकड़ों गुना बढ़ गया और देखते ही देखते उनका यह बिजनेस पूरे भारत में फैल गया। अभी के वक्त में हल्दीराम जी के बिजनेस की वैल्यू $3 बिलियन से भी ज्यादा की है और हल्दीराम का बिजनेस पूरे दुनिया में 80 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। हल्दीराम को अग्रवाल परिवार के 3 पीढ़ियों ने मिलकर सक्सेस के इस मुकाम तक पहुंचाया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।